डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर विच इज अबाउट द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 13। In that doctrine, we discussed that if any act is against the fundamental rights, then the act is void. But if the invalid part of the act can be separated from the rest, then the rest may continue to be valid and operative. But if it is not possible to separate the valid from the invalid portion, then whole of the statute must be declared as ultra vires and void। यानी हम अनुच्छेद 13 का एक डॉक्ट्रिन पढ़ चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथककरणता का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा कि अगर कोई एक्ट ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो एक्ट वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम उस एक्ट के उस पार्ट को जो इनवैलिड है बाकी के एक्ट से अलग कर सकते हैं तो सिर्फ उस वह पार्ट शून्य हो जाएगा और बाकी का एक्ट वैलिड होगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और अगर हम उस पार्ट को उस एक्ट से अलग नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा एक्ट अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आज हम इसी क्रम में अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। टुडे वी विल नो अबाउट द अनदर रूल ऑफ this article 13 and about the article 13 we can say that article 13 is not retrospective। In the other words, article 13 one is prospective and not retrospective। When we see the language of Article 13, Clause 1, we can see that this article says that all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। यानी ये जो भाषा है अनुच्छेद की 13 क्लास 1 की, वह स्पष्ट तौर से ये बता रही है या इस बात का प्रावधान कर रही है कि इस संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले इस भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी जो एरिया है, जो टेरिटरी है, में प्रचलित या प्रभावी वे सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंधों से विपरीत हैं, असंगत हैं, ठीक है। यानी हम उस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं जो संविधान बनने से पहले भारत में लागू है, तो वह विधि जहाँ तक संविधान के इस भाग का विरोध करेगी वहाँ तक शून्य हो जाएगी। अब यह जो प्रावधान है उसमें एक बात जो हमें समझनी है
वो बात यह है कि संविधान का ये प्रावधान यह बात तो कहता है कि संविधान के प्रारंभ की विधियां उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जिस सीमा तक संविधान के इस भाग का वे विरोध करती हैं। मगर कब शून्य होंगी यह मुख्य प्रश्न है। यानी हमने संविधान के प्रारंभ होने से पहले कोई काम किया है, जो काम उस समय अगेंस्ट द लॉ था, और आज संविधान प्रारंभ हो गया, तो आज के तारीख में, आज के डेट में हमारा वह काम क्या माना जाएगा? क्योंकि आज के डेट में वह एक्ट संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वही इस सिद्धांत की आधारशिला है। दैट आर्टिकल 13(1) इज प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब अनुच्छेद 13 का जो प्रभाव है वह भूतलक्षी नहीं है। यानी हमने संविधान के प्रारंभ होने से पहले अगर कोई काम किया है अगेंस्ट लॉ, तो वो अगेंस्ट लॉ इलीगल है। संविधान प्रारंभ होने के बाद भले ही वह विधि शून्य हो गई हो, लेकिन उस स्टेट में, यानी संविधान प्रारंभ होने के पहले, हमारा वह कार्य इलीगल है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 हमारे उस काम को लीगल नहीं बनाता। तो ये जो भाषा है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की कि ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सो फार एज दे आर इन कॉन्सिटेंस विद द प्रोविजन्स ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकॉन्सिटेंसी बी वाइड। इट मीन्स टू से दैट ऑल सब्सटेंटिव राइट्स एंड लाइबिलिटीज accord under it prior to the enforcement of the constitution are not nullified। It is ineffective only with reference to enforcement of rights and liabilities in the post-constitution period। In addition, a declaration of invalidity is necessary to make a law invalid। यानी जब हम आर्टिकल 13 के प्रोविजन के डेप्थ में जाते हैं, जब हम इसके भाव को समझेंगे, तो आर्टिकल 13 की जो भाषा है वह कहती है It means to say that all substantive rights and liabilities accrued under it prior to the enforcement of the constitution are not nullified। यानी जितने भी अधिकार हैं, substantive rights हैं, जितनी liabilities हैं, दायित्व हैं, जो कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले प्राप्त की गई हैं, वे सभी शून्य नहीं हो जाएंगी। इट इज इनइफेक्टिव ओनली विथ रेफरेंस टू इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड। ये जिस डेट में, जिस तिथि को संविधान लागू होता है, जब हमें हमारा मूल अधिकार दिया जाता है, उस डेट के बाद अगर वे विरोध करते हैं उस मूल अधिकार का, तो वे शून्य होंगे।
And in addition, a declaration of invalidity is necessary to make a law invalid. और इतना ही नहीं, एक declaration देना पड़ेगा कि वह law invalid हो गया है, यह necessary है. वह इस बात का declaration होना आवश्यक है. You can see a case of Madhav Menon versus State of Bombay. Okay, this is an important case about this rule that Article 13 is not retrospective. In this case of Madhav Menon versus State of Bombay, Supreme Court observed that there is no fundamental right where a person shall not be prosecuted and punished for an offense committed before the Constitution came into force. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इस प्रिंसिपल पर. और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बात को कि ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए प्रोसिक्यूटेड होने के लिए या पनिश होने से रोकता हो जो कि उसने संविधान के प्रारंभ होने से पूर्व ही किया हो. इस मामले में प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 के सेक्शन 18 धारा 18 में केशव माधव मेनन के खिलाफ एक मुकदमा चला, क्योंकि उन्होंने इस अधिनियम की धारा 18 के अनुसार उसके प्रावधानों का उल्लंघन किया था और एक पंपलेट छापा था, और उसी के लिए इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था कि इन्होंने प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 की धारा 18 का उल्लंघन किया है. 1949 की बात है ये. और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो ये साहब इसके विरुद्ध न्यायालय में गए कि अब यह जो धारा है ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, इसलिए शून्य है और इसके तहत इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. देन द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 13 इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव, अनुच्छेद 13 का प्रभाव भूतलच्छी नहीं है, यानी उसकी जो भी पावर्स हैं जो भी रूल्स हैं वो 26 जनवरी 1950 के बाद से देखे जाएंगे, उसके पहले के एक्ट को वो वायड नहीं करेगा जा करके. This is the reason that we are saying that Article 13 is not retrospective. इसका प्रभाव भूतलच्छी नहीं है. ये संविधान के लागू होने से पहले से प्रभावी नहीं होगा. ये संविधान जिस तिथि को लागू हुआ, जिस डेट को लागू हुआ, उस डेट से प्रभावी होगा. And in other case, लक्ष्मण दास वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, सुप्रीम कोर्ट says that it does not mean that a discriminatory procedure laid down by a pre-constitution act is to be followed in respect of pending proceedings. लेकिन केशव माधव मेनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए लक्ष्मण दास के मामले में न्यायालय ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी ऐसे प्रोसीजर को भी मान्यता दे देंगे जो प्रोसीजर डिस्क्रिमिनेटरी हो किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के कारण, और हम उसको आगे भी फॉलो होने देंगे, ऐसा नहीं है. यानी अगर प्रोसीजर डिस्क्रिमिनेटरी है तो उस प्रोसीजर को आगे फॉलो होने नहीं दिया जाएगा. लेकिन जहाँ तक एक्ट का प्रभाव है तो उस एक्ट को भूतलच्छी प्रभाव से लागू नहीं होने दिया जाएगा. यानी अनुच्छेद 13 का जो खंड एक है आर्टिकल 13 क्लास 1, यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगी. सो वंस अगेन वी हैव टू से दैट आर्टिकल 13 इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव. दैट्स ऑल. आफ्टर इट
We will meet in our next lecture. Thank you.